नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। हमने हाल ही में एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने 10,000 तक की रेंज के फोन्स दिखाए जो फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो में हम दिखाएंगे वह कौन सा फोन है जो 20,000 तक की रेंज में और फ्लिपकार्ट पर डिस्काउंट पर उपलब्ध है। जैसे कि हमने पहले वीडियो में दिखाया, हमने स्पेसिफिकेशन, क्या प्राइस डिफरेंस है और फोन की पिक्चर प्लस नोटिफिकेशन इत्यादि जैसे फीचर्स हाईलाइट करे हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला फोन रहेगा वो है Redmi का Note 6 Pro। ये आता है स्नैपड्रैगन 636 के साथ जो कि 1.8 GHz पे क्लॉक है। ये क्वाड कोर प्रोसेसर है। इसका यूजर इंटरफेस रहेगा MIUI। बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है और एकदम फ्लूइड है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों दिया गया है। रैम की बात करें तो इसमें 4GB रैम है। स्टोरेज 64GB दी गई है जो कि 256 तक बढ़ाई जा सकती है। सिम स्लॉट हाइब्रिड रहेगा। बैटरी बेहतरीन है 4000mAh की जो कि केपेबल है क्विक चार्जिंग 3.0 की। डिस्प्ले फुल HD+ है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ। कैमरे भी बेहतरीन है। 12 MP और 5 MP का रियर कैमरा है और फ्रंट 20 MP का है। 4G वोल्टी FM 3.5 हेडफोन जैक सब कुछ है। इसमें आपको सभी सेंसर्स मिलेंगे जैसे कि लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर, कंपास, जायरोस्कोप एक्सेट्रा। वीडियो आप 4K और 1080p आराम से बना सकते हैं। EIS आपका सिर्फ 1080p पर ही वर्क करेगा। आप पोर्ट्रेट मोड पिक्चर्स बोथ फ्रंट और रियर कैमरा से खींच सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन लाइट भी है। प्राइस की बात करें तो 13,990 पे ये मिल रहा है। सेल प्राइस 12,999 का रखा है। डिस्काउंट आपको 1299.90 का मिल सकता है अगर आप SBI कार्ड होल्डर हैं। डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 11,699.10। आपकी कुल सेविंग रहेंगी 2,299.90। अगला फ़ोन हमारा रहेगा इसका बड़ा भाई। जी हाँ, फ़र्क इतना है कि रैम रहेगी 6GB, बाकी सभी स्पेसिफिकेशन सेम। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका करंट प्राइस है 15,999 जो कि इसका सेल प्राइस भी है। SBI डिस्काउंट आपको मिलेगा 1599.90 का। डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 14,388.10। आपकी कुल सेविंग रहेगी 1599.90 की। फ़र्क सिर्फ रैम का है तो सेंसर्स आपको सभी मिलेंगे। वीडियो 4K 1080p बन सकती है। EIS 1080p पे पोर्ट्रेट मोड बोथ फ्रंट और बैक कैमरा में वर्क करेगा और इसमें नोटिफिकेशन लाइट दी गई है। अगला फ़ोन देखते हैं। अगला फ़ोन हमारा है ऑनर का 10 लाइट जो हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये आता है किरिन 710 के साथ जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक है। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और यूज़र इंटरफेस रहेगा EMUI। प्रोसेसर बेहतरीन है। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों दिए गए हैं। रैम 4GB, स्टोरेज 64 और आप 512GB तक बढ़ा सकते हैं। सिम स्लॉट हाइब्रिड रहेगा। बैटरी 3400mAh। स्क्रीन फुल HD+ है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ। कैमरा आपको 13 MP और 2 MP का रियर में दिया गया है। फ्रंट 24 MP है। 4G वोल्टी FM 3.5 हेडफोन जैक इसमें सब कुछ है। स्पेसिफिकेशंस दमदार हैं। प्राइस भी दमदार है। करंट प्राइस इसका 13,999 है। सेल प्राइस भी सिमिलर है और SBI डिस्काउंट के साथ 13,999.90 का डिस्काउंट मिलेगा आपको। इसका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 12,599.10। कुल सेविंग रहेगी 1,399.90। सेंसर सभी हैं जी हाँ, लेकिन वीडियो आप 4K नहीं बना सकते, आप 1080p तक ही बना सकते हैं। इसमें EIS भी नहीं है। पोर्ट्रेट मोड बोथ फ्रंट और बैक कैमरा में वर्क करता है। इसमें नोटिफिकेशन लाइट भी नहीं है। एक बात और बताना चाहूँगा, हमने इसका दूसरा वर्जन नहीं इंक्लूड किया है जिसमें रैम 4GB की जगह 6GB है क्योंकि प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। 17,999 की करंट प्राइस पे दिया जा रहा है और आप उस पर डिस्काउंट लगा सकते हैं, इसीलिए हमें वर्थ इट नहीं लगा, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। चलते हैं अगले फ़ोन की तरफ। अगला फ़ोन है ओप्पो का F9। अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें, इसमें आता है P60 जो कि 2 GHz पे क्लॉक इन है। ऑक्टा कोर प्रोसेस है। यूज़र इंटरफेस कलर OS है। फ़ोन प्रोसेसर के हिसाब से दमदार है। अगर इसकी बाकी स्पेसिफिकेशंस में देखें तो इसमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है। रैम 4GB है। स्टोरेज 64 जो कि 256 तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें सिम स्लॉट ट्रिपल है। बैटरी भी ठीक ठाक है जो कि 3500mAh। डिस्प्ले 6.30 इंच का फुल HD+ है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ। कैमरा रियर में 16 और 2 मेगापिक्सल का है। फ्रंट में 25 मेगापिक्सल का है।
सेल्फी लवर्स के लिए बहुत बेहतरीन फ़ोन रहेगा, क्योंकि प्रोसेसर वाइज भी आपको कोई लैग नहीं महसूस होगा। इसमें 4G है, वोल्टी है, FM है, 3.5 हेडफोन जैक है। बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही बेहतरीन प्राइस में मिल रहा है अगर आप ओप्पो के लवर हैं और आप सेल्फी लवर हैं। करंट प्राइस है 16,990 रुपये, सेल प्राइस 12,990 रखा गया है। अगर आप SBI डिस्काउंट लगाते हैं तो 1,299 रुपये का डिस्काउंट और मिलेगा। डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 11,691 रुपये, आपकी कुल सेविंग रहेंगी 5,299 रुपये। सेंसर्स इसमें सभी हैं, वीडियो आप 1080p तक बना सकते हैं। इसमें EIS है, बट EIS थोड़ा सा शेकी है। पोर्ट्रेट मोड फ्रंट और बोथ में दोनों में काम करता है। नोटिफिकेशन लाइट नहीं दी गई। अगले फ़ोन की तरफ चलते हैं, जिसे कि इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मैं पोको फ़ोन की बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन फ़ोन है, खासकर उन यूज़र्स के लिए जो हैवी गेमिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि इसमें आता है स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर, जो कि अब तक का सबसे बेहतरीन प्रोसेसर है। ये 2.8 GHz पे क्लॉक्ड है और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसका यूज़र इंटरफेस रहेगा MIUI। इसमें आपको हर वो ऑप्शन मिलेगी जो आप एक फ्लैगशिप फ़ोन से उम्मीद रखते हैं, जैसे कि फेस अनलॉक जो कि IR बेस्ड है, आप अंधेरे में भी उसे चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर, रैम 6GB, स्टोरेज 64/256 तक बढ़ाई जा सकती है, सिम स्लॉट हाइब्रिड, बैटरी 4000 mAh के साथ, केपेबल ऑफ क्विक चार्जिंग 3.0, इसमें फास्ट चार्जिंग भी है, डिस्प्ले फुल HD प्लस है, गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है, कैमरा बेहतरीन है जो कि आपको हाई एंड फ़ोन में मिलते हैं। इसका कैमरा सिमिलर है Asus ZenFone 3 के कैमरे से और Vivo Next के कैमरे से, जो कि है 12 MP का और 5 MP का रियर में, फ्रंट 20 MP का। 4G, वोल्टी, FM, 3.5 हेडफोन जैक सभी दिया हुआ है इसमें। सभी सेंसर्स हैं, वीडियो 4K, 1080p सब बनती हैं। पोर्ट्रेट मोड बोथ फ्रंट और बैक कैमरा से भी बनाया जा सकता है। नोटिफिकेशन लाइट भी दी गई है जो कि सफ़ेद रंग की है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें, करंट प्राइस है 19,999 का, सेल प्राइस रहेगा 8,999 का। डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इस पे SBI कार्ड का, अगर आप SBI कार्ड होल्डर हैं, जो कि रहेगा 1750 का, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट 1750 है 10% के हिसाब से। उस लिहाज से जो प्राइसिंग निकल के आएगी, आपको पोको फ़ोन पड़ेगा 17,249 रुपये का, जो कि एक बेहतरीन डील है अगर आप हाई एंड गेम्स खेलते हैं और आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेसर सबसे फास्ट हो, तो पोको F1 ही आपको लेना चाहिए। अगले फ़ोन की तरफ चलते हैं, जो कि है मोटो का मोटो 1 पावर। ये आता है स्नैपड्रैगन 636 के साथ, जो 1.8 GHz पे क्लॉक देता है। ये क्वाड कोर प्रोसेसर है और ये स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आता है। इसमें फेस अनलॉक नहीं है, जी हाँ, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर है, रैम 4GB है, स्टोरेज 64 जो कि 256 तक बढ़ाई जा सकती है, सिम स्लॉट ट्रिपल है, बैटरी बेहतरीन है 5000 mAh, केपेबल ऑफ क्विक चार्जिंग और इसमें फास्ट चार्जर मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ इसका डिस्प्ले आता है जो कि है फुल HD प्लस। कैमरा 16 MP और 5 MP का रियर में, फ्रंट 12 MP का। इसमें आप वोल्टी चला सकते हैं, लेकिन आप एक ही सिम में 4G चला पाएंगे, जो कि निराशाजनक बात है। आपको 4G कनेक्शन मिलता है, FM मिलता है, 3.5 हेडफोन जैक मिलता है। अगर मैं चार्जिंग जैक की बात करूं, तो इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट दिया गया है। प्राइसिंग की इसकी बात करें, तो ये 14,999 पे अवेलेबल है, पर सेल प्राइस में आपको 13,999 का दिया जा रहा है। SBI डिस्काउंट रहेगा आपका 1,399.90, डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा 12,599.10, आपकी टोटल सेविंग रहेगी 2,399.90। अगर हम सेंसर्स की बात करें, इसमें लाइट प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलरोमीटर, कंपास सब कुछ है, 4K वीडियो बनती है, 1080p भी बनती है, पर EIS नहीं है। आप पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर बहुत फ्रंट और रियर कैमरा से खींच सकते हैं। नोटिफिकेशन लाइट नहीं दी गई है। हमारा अगला फ़ोन रहेगा नोकिया लवर्स के लिए, जो कि है नोकिया 6.1। जी हाँ, ये आता है स्नैपड्रैगन 636 का, जो 1.8 GHz पे क्लॉक देना है और ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। स्टॉक एंड्रॉयड भी मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। सिक्योरिटी के लिहाज से इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों है, रैम 4GB है, स्टोरेज 64GB और ये 400GB तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें सिम स्लॉट हाइब्रिड दिया गया है। बैटरी कुछ बेहतर हो सकती थी, पर हाँ, 3060 mAh की बैटरी दी गई है। ये फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और आप इसे क्विक चार्जिंग 3.0 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले कॉम्पैक्ट है, 5.8 इंच का, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। कैमरा रियर में 16 और 5 MP का है, फ्रंट में 16 MP का। 4G, वोल्टी, FM, 3.5 हेम जैक सब है इसमें। सेंसर भी सभी दिए गए हैं, आप वीडियो 4K पे बना सकते हैं, 1080p की वीडियो EIS के साथ बनाई जा सकती है। पोर्ट्रेट बोथ फ्रंट और बैक कैमरा में वर्क करता है, पर नोटिफिकेशन लाइट नहीं दी गई है। नोकिया लवर्स के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है।
हमारा आखिरी फ़ोन रहेगा सैमसंग का गैलेक्सी A7 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसकी USB है इसके ट्रिपल कैमरा रियर में। आइए बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। इसका प्रोसेसर है एक्सिनॉस 7885 जो कि 2.2 GHz पर क्लॉक्ड इन है। ये ऑक्टाकोर प्रोसेसर और ये सैमसंग UI के साथ आता है। सिक्योरिटी के हिसाब से इसमें फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों है। रैम 4GB है, स्टोरेज 64 जो कि 512 GB तक बढ़ाई जा सकती है। इसमें ट्रिपल स्लॉट आता है जो कि बहुत बढ़िया बात है। बैटरी ठीक ठाक सी है 3300 mAh, कुछ बेहतर हो सकती थी। कैमरा 3 है रियर में, 24 MP का, 8 MP का और 5 MP का। 24 MP का आपका नॉर्मल कैमरा रहेगा, 8 MP का वाइड एंगल और 5 MP का डेप्थ सेंसर वाला। फ्रंट में भी बहुत अच्छा कैमरा दिया गया है 24 MP का। 4G वोल्टी FM 3.5 हेडफोन जैक सब मिलेगा आपको इसके अंदर। सेंसर सभी हैं। वीडियो 1080p तक ही बनती है पोर्ट्रेट मोड बोथ फ्रंट और बैक कैमरा में, तो वीडियो के लिहाज से शायद ये आपको निराश करे। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है इसमें, नोटिफिकेशन लाइट दी गई है। आइए अब इसके प्राइस पर नज़र मारते हैं। इसका करंट प्राइस है 18,990 रुपये। सेल प्राइस भी सेम है। ये हाल ही में 25,000 के ऊपर के प्राइस रेंज पर लॉन्च किया गया था बट कंपनी ने प्राइस एकदम स्लैश करे हैं। SBI डिस्काउंट रहेगा आपका 1,750 रुपये का क्योंकि आपको 10% मिलेगा, तो आपकी कुल प्राइस रहेगी 17,240 रुपये जो कि आपका डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा, तो आपकी कुल सेविंग रही 1,750 रुपये। तो ये था सैमसंग का गैलेक्सी A7। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हरजोत हूँ, आप देख रहे थे फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। कोई प्रश्न हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने कोशिश करी है कि ये फॉर्मेट ऐसा रखा जाए कि जिससे आपको मदद मिले, और मैं आशा करता हूँ वैसा ही रहा होगा। अगर आपको हमारा काम सराहनीय लगा हो तो जैसे कि मैंने बोला, प्लीज डू सब्सक्राइब अस क्योंकि इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद एंड टेक केयर।